हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 4:45। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं दोपहर के 4:45 किचन में क्या कर रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं हूँ किचन में अपनी में। तो मैं आज कुछ स्पेशल बनाने जा रही हूँ। मैं बना रही हूँ आज कस्टर्ड, जो कि हम खाने के साथ रात को अच्छे से कुछ मीठा खाने का अच्छा होता है तो हम खा सकें, तो पूरी फैमिली के लिए बना रही हूँ कस्टर्ड। तो चलिए देखते हैं कस्टर्ड कैसे बनता है और कैसा मैं कैसे बनाती हूँ। चलिए देखते हैं। तो कस्टर्ड बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा दूध, जो कि है रिच ब्रांड का मेट्रो डेली। ये मिल्क है, मैं ये ब्रांड यूज़ कर रही हूँ। कोई भी दूध यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ब्रांड का। और एक बड़ा बर्तन चाहिए होगा जिसमें हम दूध बॉईल करने रख देंगे। और हमें चाहिए होंगे कुछ फ्रूट्स। तो चलिए सबसे पहले हम दूध को बॉईल कर लेते हैं। तो हमने अपना दूध बॉयल करने रख दिया है। इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है ताकि वो ठीक से रहे, ज़्यादा गाढ़ा ना रहे। और हमारा दूध जब तक बॉयल होगा तब तक हम इन फ्रूट्स को धो के अच्छे से कट कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं फ्रूट्स। कस्टर्ड पड़ाने के लिए ये कस्टर्ड पाउडर ऊपर से पड़ गया वनीला फ्लेवर का। तो और ये है थोड़ा सा कच्चा दूध, इसमें मैं ऐड करूँगी कस्टर्ड पाउडर। और ऐड करते करते मैं इसको चलाऊँगी ताकि ये पतला सा पेस्ट हो जाए। और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी और डालते जाऊँगी इसमें कस्टर्ड का जो पेस्ट बनाऊँगी वो, और इसको चलाते जाऊँगी ताकि ये फटे ना। तो चलिए बनाते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसमें ये ऐड कर लिया है और इसको मैं बहुत अच्छे से चलाऊँगी ताकि ये पतला हो, इसमें कोई मतलब गांठ जो पड़ जाती है वो ना हो।
तो ये देखिए हमारा कटला हो गया है, इसमें कोई गांठ नहीं बची है। और इसको हम जो हमारा दूध है इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करते करते मुझे इसमें ये हम मिर्ची कस्टर्ड पाउडर के लिए मिर्ची की क्वांटिटी हमारे लिए बहुत होगी, तो ये समथिंग 10 चम्मच है, ये हमने इसमें ऐड कर दी। तो ये हमारा हो चुका है, इसमें चीनी भी मैश कर दी है, थोड़ा काला भी हो गया है। तो अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और इसको थोड़ी देर छोड़ेंगे, बस 2 मिनट के लिए। फिर इसमें ऐड करेंगे हम अपने ये सारे फ्रूट्स। तो यहाँ पे मैंने सारे फ्रूट्स कट करके ऐड कर लिए, और ये जो मेरे ब्लैक वाले मोती हैं इनके 2 पार्ट्स कर लिए हैं क्योंकि इनकी क्वांटिटी मेरे पास कम थी। और अब मैं ये सारे इसमें ऐड कर देती हूँ। और ये देखिए मैंने ये सारे ऐड कर दिए। आप इसमें इन अगर आप लोगों को ये फ्रूट्स नहीं पसंद, आप इसमें अपने मनपसंद के फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। मुझे ये पसंद है इसलिए मैंने ये ऐड किए हैं, आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। और हमारा कस्टर्ड बन चुका है। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए 2 घंटे के लिए 2-2.5 घंटे के लिए रखूँगी फ्रिज में, बिकॉज ये ठंडा होकर बहुत टेस्टी और यम्मी लगता है। तो चलिए मिलते हैं ठंडा होने के, इसके ठंडा होने तक इंतज़ार करते हैं और मिलते हैं सर। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोगों का कस्टर्ड बन चुका है और डिनर भी हो चुका है, रात के 10:45 बज रहे हैं। और चलिए हम देखते हैं मेरे कस्टर्ड को कितने लाइक मिलते हैं। तो सबसे पहले हम पूछेंगे अपने घर के बड़े मेंबर से, बाबू कस्टर्ड कैसी बनी है? सोना अच्छा बना है। ए सोना अच्छा बना है। लो 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 लो। हस्बैंड जी से पूछते हैं, हस्बैंड जी कस्टर्ड कैसा बना है? लाइक दो लाइक दो लाइक दो। अच्छा बना है। लो 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 लो। तो मेरे कस्टर्ड को तो लाइक मिल गया, ऐसे ही प्लीज़ मेरी वीडियो को भी लाइक दें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को हिट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। सो बाय, गुड नाइट।